नमस्कार दोस्तों, मैं आज अभी बेंगलोर पहुंचा हुआ हूं, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि प्लास्टिक वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाता है। कि जो अपने घरों में प्लास्टिक निकलता है, जैसे प्लास्टिक कैरी बैग है और जो मल्टीलेयर प्लास्टिक है, जैसे कुरकुरे आते हैं और कोई पैकेजिंग आती है, वो जितना भी प्लास्टिक आप देखेंगे कि वो सब प्लास्टिक अपने घरों में हम वैसे ही रखते हैं, तो उसको मिक्स करके डाल देते हैं, वो कचरा बनता है, या उसमें हम आग लगा देते हैं, वो सारा कचरा बन जाता है। तो यदि हम उसको अलग रखें, घर में ही जितना भी प्लास्टिक वेस्ट है, चाहे वो कुरकुरे के पैकेट है या चाहे कोई पैकेजिंग प्लास्टिक की कोई दूसरी है या प्लास्टिक बैग्स कोई भी आया हुआ घर में, तो यदि हम उसको अलग से रखेंगे तो टोटली उसकी प्रोसेसिंग हो जाती है। मैं आपको वही दिखाना चाहता हूँ। आप देखेंगे, देखो ये पूरा गोदाम भरा हुआ है। तो जो लोगों ने प्लास्टिक को घर में अलग रखते हैं, तो उसके बाद उसकी इस तरह से बेल बना दी जाती है। देखो पूरा का पूरा बेल बनाया हुआ है, जो मल्टीलेयर प्लास्टिक है ये इस तरीके से बेल बनाते हैं हम, और वो बेल बनाकर इस तरीके से फिर ये फैक्ट्री में पहुंच जाता है। मैं अभी बेंगलोर में किसी फैक्ट्री से लाइव हूँ, जहाँ पे जो अपने घरों में प्लास्टिक निकलता है, पैकेजिंग निकलती है, उसको किस तरीके से प्रोसेस किया जा रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो पूरा गोदाम यहाँ पे भरा हुआ है, फैक्ट्री है जहाँ पे प्लास्टिक को रिसाइकल किया जा रहा है। तो यदि हम घरों में अपने घर से निकलने वाला जो सूखा कचरा है, इसको यदि अलग रखें तो वो टोटली प्रोसेसिंग हो जाती है, उससे लोगों को रोज़गार भी मिलता है और वो उसका अच्छे से रिसाइकलिंग कर लेते हैं। देखो ये जो सेग्रीगेटेड है, सोर्स सेग्रीगेटेड काम कर रहे, इनको भी रोज़गार मिलता है। ये देखिए किस तरीके से सारा का सारा प्लास्टिक ये फर्दर सेग्रीगेट करके, ये देखो ये महिलाएं यहाँ पे काम कर रही हैं, और ये फिर ये श्रेडर लगा हुआ है, देखिए श्रेडर में ये डालते हैं। इस श्रेडर के बाद ये देखो ये इस तरीके से क्रश कर देते हैं पूरे प्लास्टिक को, और ये प्लास्टिक को क्रश करने के बाद देखो ये इस तरह से ये बनता है। तो ये सब देखो महिलाएं काम कर रही है, इनको रोजगार मिला हुआ है। तो उसके बाद जो भी इसका इसको मेल्ट करके इससे डिफरेंट टाइप के आइटम्स बनाए जाते हैं और उसका यूज होता है। तो कहने का भाव ये है कि हम अपने घर में जितना भी प्लास्टिक जनरेट होता है उसको हम अलग अलग रखें, उसको मिक्स ना करें, और उसको अलग रखेंगे तो वो रिसाइकलिंग में जाएगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, कचरा पैदा नहीं होगा, और एक रिसोर्स के फॉर्म में वो दोबारा से रिसाइकलिंग में आके उसका यूज हो जाएगा, कोई भी डंप साइट पे वो नहीं जाएगा, और इससे ही लोगों को रोज़गार भी मिलता रहेगा। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि अपने घर में जितना भी कोई प्लास्टिक निकलता है, चाहे वो कोई पैकेजिंग है या कोई और आइटम्स है, उसको आप अलग रखें और उसको आगे रिसाइकलिंग के लिए बेचते रहने की कोशिश करें, क्योंकि आने वाले टाइम में हमें इसको मैनेज करेंगे तभी ये इन्वायरमेंट हमारा प्रोटेक्ट हो सकता है। तो मैं अभी बेंगलोर की किसी फैक्ट्री से लाइव था, जहाँ पे इस तरीके का प्लास्टिक को मैनेज किया जा रहा है, जिसको हम आग लगा देते हैं या कचरा समझ के फेंक देते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। तो आप अपने घर में गीले कचरे, सूखे कचरे को अलग रखिए और उसको रिसोर्स बनाने में मदद कीजिए। धन्यवाद।